हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू XMB। XMB में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। तो शुरू करते हैं, हम इस लेक्चर में देखेंगे ESI MCQ सीरीज पार्ट 2। तो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस लेक्चर के PDF को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलो। इसका पार्ट 1 कुछ दिन पहले आया था, अभी उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दिस इज दी पार्ट 2। सो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पेड यूजर्स के लिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये सिर्फ पेड यूजर्स के लिए है। आपके कोर्स में एक ESI समरी मॉड्यूल अपडेट हुआ है जो कि आपको ESI सेक्शन में मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले आपको ARD का मिला था, जो ARD के स्टैटिक हर टॉपिक्स के कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन को कवर, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे पोर्शन को कवर करता है। वैसे ही ये जो ESI समरी मॉड्यूल है, ये आप देख पा रहे हो उसका इंडेक्स है, जहाँ पे हमने सिलेबस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस में कवर करने की कोशिश की है। तो अभी ये लास्ट 7 to 8 days में व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉर योर रिविजन इज टू टेक दिस 2 मॉड्यूल्स एंड रीड फॉर ESI एंड ARD, ठीक है। वी हैव ट्राइड टू कीप एवरीथिंग हियर। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका पहला है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए ब्रांच ऑफ ए फॉरेन बैंक इन इंडिया, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू ए स्टाफ बाय एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम इस अब्रॉड फर्म। तो ये है ऑप्शन। तो फॉलो द सेम रूल, 15 सेकंड्स वाला रूल। टेक द 15 सेकंड्स, पॉज द वीडियो एंड जस्ट चेक योर यू नो रिटेंशन कैपेबिलिटी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल दोस थिंग्स। अब Now it's time to check those. So the answer is one only. Now let us understand why one. तो देखो, सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट अर्न्ड बाई ए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो देखो, GDP का डेफिनेशन क्या बोलता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और तुम्हारे सवाल पे तो पूछ ही दिया है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हो रहा है वो चाहे कोई भी करे, इंडियन कंपनी करे या फॉरेन कंपनी करे, तो वो तो आंसर होगा। दूसरा क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ बाय एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो देखो, ये एक ट्रिकी है, मतलब यहाँ पे ऐसा तुमको लग रहा है जो एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में, मतलब इंडिया में है। अब इंडिया में किसी को सैलरी मिल रहा है तब तो वो इंडिया के GDP, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट होगा। तो माई डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, नो। ये जो एम्बेसी होता है ना, हर देश का जो एम्बेसी जो देश में अलग अलग हिस्से में है, मोस्टली सब न्यू दिल्ली में है, बट हाँ मुंबई कोलकाता जैसे लोकेशंस पे भी है। तो एम्बेसी जहाँ पे होता है, ये एम्बेसी वो उस नेशन का टेरिटरी कहलाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में US एम्बेसी है, तो वो जो जगह में US एम्बेसी है, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ना, वहाँ पे सब US का रूल्स लागू हो रहा है, मतलब दैट टेरिटरी इज कॉल्ड यू नो टेरिटरी ऑफ USA। सो इसीलिए वो चीज काउंट नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन 2 स्टैंड्स टू बी रॉन्ग। थर्ड वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम इट्स अब्रॉड फर्म। तो देखो, ये सारा चीज ना NFIA से हट जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये तो डोमेस्टिक में काउंट ही नहीं होगा। तो डोमेस्टिक में सिर्फ बच जाता है ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका सही आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। द टर्म ग्रॉस इज बीइंग यूज्ड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज इट्स कंप्यूटेशन डज नॉट एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ओके, 15 सेकंड रूल्स, पॉज द वीडियो, ट्राई टू चेक योर आंसर। आगे बढ़ते हैं आंसर्स पे। द आंसर इज डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। एंड आई होप ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ग्रॉस में क्या होता है क्या नहीं होता है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। एंड अगर यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है, तो ESI के जो रिविजन वीडियोज है उसके आप जो कैलकुलेशन वाला वीडियो है वो आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड यू नो 30 to 40 minutes, आप उसको देख लो, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which of the following scenario better explains the concept of human capital formation? ठीक है, human capital formation, individual of a company accumulating more capital, increasing the knowledge, skill level, capacities of the people of the country, accumulation of tangible wealth. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर पे, वो है only 2. अब समझते हैं क्यों। सबसे पहले क्यों को समझने से पहले समझते ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है।
देखो ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमन तो खुद ही में ही कैपिटल है, मतलब विदाउट ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो संभावना खत्म ही हो जाती है। ठीक, अब आता है ह्यूमन कैपिटल, मतलब एक देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे सवाल आता है जो कंट्री है, सो एक कंट्री कैसे फॉर्म होता है। डू यू थिंक कंट्री इज ओनली अबाउट द ज्योग्राफिकल बाउंड्री? नो, द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री इज इट्स पीपल, उसके लोग, उसके उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसकी प्रॉपर्टीज उसके बाद फॉलो करती है। मतलब ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कंट्री टू टेक दैट फर्दर, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या चाहे कुछ दूसरे एक्टिविटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल तुम्हारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एक्सप्लेन्स बेटर द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी ये फॉर्मेशन वर्ड ऐड होते ही यहाँ पे सीधा सीधा सवाल आपको पूछ रहा है कि एक मतलब कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से अगर आपके ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री एक्युमुलेटिंग मोर कैपिटल, एब्सोल्युटली नहीं। मतलब देखो पैसा तो कई तरीके से कमाया जा सकता है, एक्युमुलेटिंग मोर कैपिटल वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वो यूजिंग टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, वो एब्सोल्यूट हार्डवर्क भी हो सकता है, तो ये तो सही ऑप्शन नहीं लग रहा है। सेकेंड आते हैं इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को देखो, जहाँ पे लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, लोगों की स्किल्स बढ़ेगी, लोगों की कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या, देखो नॉलेज बढ़ गया है, स्किल बढ़ गया, मतलब लोग अभी ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, स्मार्ट काम कर सकते हैं, इफेक्टिव काम कर सकते हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल पे काम कर सकते हैं। तो इन दैट सेंस द कंट्री इज एब्सोल्युटली गोइंग टू ग्रो। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने से ये बहुत बड़ा रिलेशन रखता है। देन एक्युमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, एब्सोल्युटली नहीं। मतलब ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ऑप्शन नंबर वन से इसका रिलेशन, सो ऑप्शन टू इज द ओनली आंसर। ह्यूमन कैपिटल मीन्स नॉलेज स्किल कैपेसिटी राइट एजुकेशन, ये होता है ह्यूमन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए डिफ्लेटर। ठीक है, डिफ्लेटर क्या है? एडजस्टिंग फॉर चेंज इन प्राइस लेवल, एडजस्टिंग फॉर चेंज इन कमोडिटीज इन बास्केट, एडजस्टिंग फॉर चेंजेस इन वेटेज ऑफ सेक्टर्स, एडजस्टिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर? फॉलो द 15 सेकेंड रूल। आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर पे, द करेक्ट आंसर इज एडजस्टिंग फॉर कैपिट चेंजेस इन प्राइस लेवल। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज को दिखाता है कि एक समय से दूसरे समय टी टू, फ्रॉम टाइम वन टू टी टू, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का प्राइस में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो ये डिफ्लेटर को कहाँ यूज करते हैं? डिफ्लेटर को हम रियल से नॉमिनल में, मतलब रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में जाने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हैं। मतलब उसका यूजेज क्या है? एडजस्टिंग फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑल्सो टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? सब्सटेंस पॉवर्टी, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, मिनिमल पॉवर्टी, स्टैंडर्ड एंड नॉमिनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज सब्सटेंस पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सब्सटेंस पॉवर्टी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गरीबी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब रिसोर्स इतने लिमिटेड है कि वो चाह के भी बाहर नहीं आ सकते, इस प्रकार का रिसोर्सेस की कमी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट या सब्सटेंस पॉवर्टी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एफर्ट टू हैव ए पॉवर्टी लाइन वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया बाय होम अमोंग द फॉलोइंग? दादा भाई नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, आरसी दत्ता, जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, इनमें से कौन? सो द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नरोजी। तो यहाँ पे मैं ना आपको कमिंग सेक्शन में एक देता हूँ, राइट? दादा भाई नरोजी, ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन का, ये एक बुक के थ्रू दिया था। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल रिप्लाई टू योर आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, सुरेश तेंदुलकर कमिटी वाज सेट अप इन 2005 ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, प्लानिंग कमीशन, एनएसएसओ, सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नन, इनमें से कौन?
सो द करेक्ट आंसर हियर इज प्लानिंग कमीशन। ठीक है, किसने किया? प्लानिंग कमीशन ने किया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। एज पर तेंदुलकर कमेटी डैश परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 11-12। वॉट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज 21.9। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड करने का मतलब एक चीज आपको समझाना था, वो ये कि ऐसे जो डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप गेस नहीं कर सकते। मतलब ये ऑप्शंस में इतने क्लोज होंगे आपको, मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको याद है 21 है ना, 21 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे ये 21.2 ना होके ये 21.2 होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि आंसर 21.2 है कि 21.9 है। तो मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है वेर आपको उस चीज को याद ही रखना पड़ेगा। द बेस्ट ऑप्शन इज टू यू नो कीप ए नोट और उसको आप कंटिन्यू देखो, डोंट मग इट अप। मतलब स्कूल में हम करते थे एंड हमने सब ने किया स्कूल पे वो, एंड दैट पेड ऑफ। स्टिल आई फाइंड कि दैट इज नॉट द इफेक्टिव वे टू डू इट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ, उसको चिपका दो कहीं पे। बट इट राइट नाउ व्हेन वी डोंट हैव मच टाइम, द ओनली ऑप्शन इज टू यू नो ऐसे सेशंस में वी ब्रिंग आउट टू यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड। आगे चलते हैं। वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट, मतलब ये दो कमिटी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी, तो इसीलिए ये दोनों सवाल को आपके सामने उठा दिया मैंने। एज पर आरसी गंगराजन कमेटी डैश परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 11-12। द करेक्ट आंसर हियर इज 29.5। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो लो प्रोडक्टिविटी एंड पुअर वर्किंग कंडीशन आर वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो आई थिंक यू नो बाय यूजिंग लॉजिक यू कैन आंसर इट इवन इफ यू डोंट नो द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेफिनेशन ही हो गया, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वही होगा ना जहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी लो होगा, सैलरी भी लो होगा, वर्किंग कंडीशन भी लो होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है डेली वेजेस है तो आज काम है तो आज पैसा मिलेगा, कल काम है तो कल पैसा नहीं मिलेगा। किसी की तबीयत खराब है, हाफ डे काम किया तो उसको हाफ डे का ही पैसा मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम एसोसिएटेड किससे है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से हैं। तो आई होप ये आपको लॉजिकली कैसे आंसर करना है ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो ये है, हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इंक्लूडेड अंडर विच सेक्टर इन द इकोनॉमी? विच सेक्टर इन द इकोनॉमी, राइट? अगेन ये इस क्वेश्चन को भी उठाने के पीछे एक रीजन है, आई वुड टेल यू व्हेन आई शो यू द आंसर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज क्वार्टनरी सेक्टर। बिकॉज सी यूजुअली यू नो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग हम ये तीन को याद रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को यूज कर एक्सप्लोइट करते हैं। सिंपल मीनिंग पे ये है, व्हेन वी एक्सप्लोइट द रॉ मटेरियल दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल माइनिंग, ठीक है, माइनिंग हो गया, क्रूड ऑयल उठाना हो गया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब वो सारे सेक्टर्स जहाँ पे हम ये जो प्राइमरी सेक्टर्स में हमने चीज उठाए थे वो सारे चीज को प्रोसेस करना, मतलब वो रॉ मटेरियल हो गया तो उसको प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल हमने प्राइमरी सेक्टर में कोल का माइनिंग किया था, तो कोल के माइनिंग से हमने सेकेंडरी सेक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी बनाया, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर क्या है? सर्विस देना लोगों को, है ना, इनटेंजिबल चीज, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है वी कांट सी, करेक्ट? तो वो क्या है? वो एक सर्विस है। तो सेकेंडरी सेक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी बनता है और वो वायर के थ्रू हमारे घर में पहुंचता है, मतलब वो सर्विस पहुंच रहा है। तो वो हो गया टर्शरी सेक्टर में। अभी इसमें और भी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड का माइनिंग होता है सेकेंडरी सेक्टर में, वो पॉलिश होके ज्वेलरी बनता है, उसके बाद आप उसको खरीदते हो। सो यूजुअली हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तक ही जानते हैं, बट देर इज यू नो फोर्थ एंड फिफ्थ वन, दैट इज क्वार्टनरी सेक्टर एंड इज क्विनरी सेक्टर। हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। तो मैंने बताया जो फिफ्थ है क्विनरी सेक्टर। नाउ दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? लेट्स मेक, डोंट लेट्स ऐड सम फन टू द लेक्चर।
मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्विनेरियस अक्षर का मीनिंग क्या है, एंड प्लीज 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 डोंट गूगल इट, ठीक। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज, आपको जो भी डाउट है इन दोनों में से। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंकिंग इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड एज डैश सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड एज डैश सेक्टर। आई होप एवरी वन ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर इट। द करेक्ट आंसर हियर इज टर्शियरी सेक्टर, मतलब ये सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, सो इट्स कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाइट कॉलर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, क्विनेरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, इनमें से कौन सा? व्हाइट कॉलर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। द करेक्ट आंसर हियर इज टर्शियरी सेक्टर। तो देखो ये व्हाइट कॉलर मतलब है क्या, व्हाइट कॉलर मतलब जो सूट बूट पहन के काम करते हैं ना वो लोग हैं, मतलब आप कोयले में जो इंजीनियर खड़ा होता है ना उसका हाथ पैर सब काला ही होता है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो है तो इंजीनियर, तो वो कोयले के खदान में है, मतलब कोयला काला है तो वो तो काला हो गई। सो इवन दो द इंजीनियर इज ऑल्सो व्हाइट कॉलर जॉब, इंजीनियरिंग इज ऑल्सो व्हाइट कॉलर जॉब, बट स्पेसिफिकली वर्ड को यू नो दिस वर्ड इज टर्म्ड वेयर देर इज नो सच एनवायरमेंट इन्वॉल्व, है ना, तो उसको बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, जहाँ पे टर्शियरी सेक्टर पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 40। लोकल लेवल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा अमेंडमेंट पे ये हुआ? आई होप आपको ये पता होगा, सबसे ऊपर रहता है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद रहता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद रहता है लोकल गवर्नमेंट। तो ये कब हुआ? ये हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जहां पे ग्राम पंचायत वाला कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे जो डायरेक्टली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए पैसा है वो ग्राम पंचायत को भेजा जाता था एंड वहां से काम होता है, अभी भी होता है, राइट। तो ये किससे इंक्लूड किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखो ये क्वेश्चंस को हम इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ओके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट बिलीव मी व्हेन समटाइम्स ऑफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये प्लानिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो प्लानिंग तो वैसे भी आपका ESI का पार्ट ही है, मतलब व्हेन यू रीड थ्रू द प्लानिंग हाउ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें तो ये भी आता है, मतलब ये दोनों पर्पज़ को सॉल्व कर रहा है, आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से भी इस क्वेश्चन का डायरेक्टली रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप जब पढ़ोगे तो आप इसको तो मिस कर ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ड्रास्टिक चेंज दैट इंडिया हैज सॉन। पहले स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग करते थे, बट इससे प्रॉब्लम ये होता था ना कि एकदम नीचे लेवल पे, मतलब गूगल इंडिया पे सही तरीके से सही काम नहीं हो पा रहा था। सो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस थ्री टायर सिस्टम, मतलब टीयर वन पे बैठा रहेगा यूनियन गवर्नमेंट, टीयर टू पे बैठा रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, टीयर थ्री पे रहेगा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायत, पंचायती राज बोलते हैं उसको, उसमें ग्राम सभा का कंसेप्ट आया एंड भी अलग अलग कंसेप्ट आया, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डीप, बट यस आई होप दिस मेक सेंस। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक नीड्स टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स इज नोन एज डैश, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विड फंड, लिक्विड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, तो इसमें से कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज SLR, राइट। तो कमेंट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ राइट नाउ व्हाट इज द परसेंट ऑफ SLR दैट दैट ए बैंक हैज टू कीप विद, यू नो दैट हैज टू मेंटेन एज पर द RBI मैंडेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The rate at which the RBI lends short-term money to the commercial bank in India is known as, right? So this question can be, आपको सही लगेगा ये तो बहुत इजी सवाल है, but yes, इजी सवाल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, but mostly when we think that a question is easy, we tend to miss, है ना, वहीं पे हमसे miss हो जाता है, so let's know the basic first, मतलब उसी लिए ये question को आपको रखा गया कि आप कम से कम इस इतने basic चीज को ना भूल जाओ। The correct answer here is repo rate, ठीक है, repo rate वो होता है जो short term में commercial bank RBI से lend करके लाता है, and यही वो repo rate है जिसको RBI अपने monetary policy में update करता रहता है, and through repo rate RBI controls money supply in the economy, correct?
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलोड द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम जुलाई 1 टू जून 30। हाउएवर द अकाउंटिंग ईयर इज टू बी अलाइंड विद द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अप्रैल 1 टू 31 मार्च, जो कि हर कोई फॉलो कर रहा था। द चेंज वॉज सजेस्टेड बाई विच कमिटी, तो कौन से कमिटी ने ये सजेस्ट आरबीआई को किया, भैया आप भी अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन कर दो तो अच्छा काम होगा। तो ये कहने वाले कमिटी कौन है, बिमल जलान कमिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स द करेंसी इन सर्कुलेशन इज ए पार्ट ऑफ। अगेन ये क्वेश्चन को पुट करने का रीजन ये था बिकॉज वी ऑफन टेंड टू कन्फ्यूज राइट, एंड आई वॉज यूज द टर्म वी बिकॉज इवन आई गेट कन्फ्यूज टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि M0, M1, M3, M4, M2 इस पे कन्फ्यूजन रहता ही है अनलेस यू नो यू यू नो अबाउट इट। सो लेट्स सी द आंसर, द आंसर हियर इज M0। नाउ M0 को किस किस को बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे सवाल अलग अलग तरीके का बन सकता है, मतलब इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई पावर्ड मनी M0, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द नैरो मनी M1, ठीक है, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज M3, सॉरी नोन एज ब्रॉड मनी, आंसर होगा M3, ठीक है। तो ये सारा डेफिनेशंस को आप देख लो, एंड आई होप ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, ओके, दिस इज फॉर यू नो जस्ट टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज, ये यहाँ पे दिया गया है, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक ए स्क्रीन शॉट एज वेल अगर आपको ये याद नहीं है तो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। द इंडाइसेस यूज टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, HDI, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ओके, इसमें से कौन सा है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी आप पूछोगे कि लिटरेसी रेट क्यों नहीं, क्योंकि लिटरेसी रेट जितना बढ़िया होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना बढ़िया होगा ना। देखो जब ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आ जाता है ना, तो हमको ढूंढना पड़ता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। अगर आपको पता होगा HDI राइट, तो ये जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें तो ऑलरेडी लिटरेसी रेट इंक्लूडेड है, मतलब HDI ऐसे दिखेगा, लिटरेसी रेट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है HDI में, सो द करेक्ट आंसर इज HDI राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। व्हेन पीपल आर पुश्ड टू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर द पॉवर्टी इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सिचुएशनल अर्बन पॉवर्टी एंड रूरल पॉवर्टी, कौन सा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज रूरल पॉवर्टी, मतलब ये है कि रूरल इंडिया में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब रूरल इंडिया में अपॉर्चुनिटी कैसे आएगा जब वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो रूरल इंडिया में जो प्रीडोमिनेंस सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का वो एग्रीकल्चर है एंड छोटे छोटे बिजनेस, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव फ्रॉम द इनकम जनरेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, या तो उनका खुद का खेत है नहीं तो किसी और खेत में काम करते हैं, मतलब ऐसे ही सिचुएशन पे होता है। सो ऐसे में व्हेन पीपल आर पुश्ड टू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ होता है, एग्रीकल्चर तो रूरल इंडिया में होता है, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड राइट, अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB।